कैसा फील आया? एक्चुअली बहुत सारी फिल्म्स बनती हैं बॉलीवुड में, लेकिन दिस इज़ द टाइम बेसिकली फॉर द कंटेंट बेस्ड फिल्म, एंड फिल्म इज़ द रियल मिरर फॉर ऑल ऑफ अस. तो जब इस स्क्रिप्ट के थ्रू मुझे ये पता चला कि हमारी फिल्म एक बहुत अच्छा मैसेज देने जा रही है, जैसे कि शायद आप लोगों ने ट्रेलर में देखा हो कि जो भी प्यार करेगा उसे सजाए मौत मिलेगी, तो आज भी हमारे हिंदुस्तान के गांव में, जबकि इतना स्टेप फॉरवर्ड हो चुका है हमारा कंट्री, फिर भी ऐसा होता है. ऑनर किलिंग जैसी चीज़ है हमारी कंट्री में, तो यही हमारी फिल्म उसको हाईलाइट कर रही है. ऐसा आज भी हो रहा है जब हम इतना आगे जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो रहा है. सर ने उस टॉपिक को हाईलाइट किया, तो व्हेन आई वेंट थ्रू द स्क्रिप्ट आई जस्ट केम टू नो इट इज़ द कंटेंट विच इज़ रियली हैपनिंग इन द विलेजेस, और हम फिल्म के थ्रू उसको पोर्ट्रेट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, मैसेज कन्वे कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारी जो ऑडियंस है कहीं ना कहीं तो माइंड में स्ट्राइक करेगा कि दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि दैट वॉज द नेचुरल जेस्चर. तो उसको पेरेंट्स भी साथ में होंगे तो वो चीज़ कम होगी, जैसा कि आजकल की फिल्में सिखाने की कोशिश कर रही हैं, कुछ ऐसा फिल्म बनाई जा रही है कि लोगों को कुछ सीखने के लिए मिले. तो ये चीज़ बहुत अपीलिंग थी, जिसके लिए अरुण सर ने जब मुझे बताया इसके बारे में, तब वो सो हैप्पी दैट आई एम गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ सच अ बिग फिल्म. Means lovely content. Yeah. Thank you.